गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिस्टर प्रमोद वर्मा, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर, एसबीएम मेन ब्रांच, नियर जाट कॉलेज, हिसार। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम कैश बुक के क्वेश्चंस किए थे ना, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आते हैं आपकी ये लेजर, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो लेजर का टॉपिक आपका, ठीक है, तो जो लेजर का टॉपिक है ना, वैसे जैसे आप ये सिंपल एंट्री बनाते आ रहे वैसी बनानी है आपको, ठीक है। आपको मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कहीं आपको जो दिक्कत आएगी वो आएगी 25 और 27 में, ठीक है। मैं आपको 25 और 27 की जनरल एंट्री बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इसी में करनी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप नोट पैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने नोट पैड ओपन कर लिया, अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ 25, क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको 25, ठीक है, एंट्री नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है, फाइंड कैपिटल एंड प्रिपेयर ऑल लेजर, मतलब हमें क्या करना है, कैपिटल को फाइंड आउट करके सारे लेजर क्या करने, प्रिपेयर करने अपने को, ठीक है। तो फाइंड द कैपिटल मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया था फाउंड कैपिटल का, आपको सबके क्या करने, ओपनिंग बैलेंस डालने, ठीक है। कैश का ऑलरेडी बना होता है, ओपनिंग बैलेंस डाल देना। बैंक बैलेंस है ना, ये आपको बैंक के नाम से बनाना है और अंडर बैंक में करना और अमाउंट डाल देना ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद फर्नीचर का लेजर बनाओगे, अंडर किस में करो, फिक्स एसेट्स, तो ओपनिंग बैलेंस सबसे लास्ट में डाल देना। और उसके बाद कार का बनाओगे और अंडर किस में करना है, फिक्स एसेट्स, तो ओपनिंग बैलेंस डाल के एंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ सबको, आपको क्या मेंशन करना है, ओपनिंग बैलेंस मेंशन करना अपने को, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, ठीक है, उसके बाद क्या, सेकंड है, सेकंड में क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल फॉर कैश, मतलब हमने क्या किया, परचेज गुड्स की है, किससे की है, रामलाल से, और किस में करी है, कैश में करी है आपने, ठीक है। तो परचेज का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बंदे का नाम तो है लेकिन ट्रांजेक्शन किस में, कैश में। अगर कैश में ना होती तो आप उस बंदे का क्या लिख देते, नेम मेंशन कर देते। उसके बाद कह रहे गुड सोल्ड टू पवन, मतलब ने क्या किया, गुड सेल्स किए पवन को, इसमें तो कैश वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो इसमें इस कैंडिडेट का क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, तो इसमें पवन अकाउंट डेबिट और टू में क्या हो जाएगा, आपका सेल्स हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट मेंशन कर लेना आप। उसके बाद कह रहे परचेज मशीनरी, परचेज हमने क्या किया, मशीन परचेज की है, ठीक है, तो मशीन परचेज की है तो वो हमारी क्या एसेट्स, एसेट्स है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू में क्या जाएगा, आपका कैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुड्स परचेज इन कैश, मतलब हमने गुड्स परचेज किए कैश में 40,000 की, और उसके ऊपर अपने को 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हम क्या नहीं करते, एंट्री के अंदर कभी शो नहीं करते आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री सिंपल क्या बनेगी, परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, टू में क्या आएगा, आपका कैश आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ 40,000 का, ठीक है, 40,000 का क्या करना है, माइनस करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो 4000 आएगा, और 40 में से 4 गए बचे कितने, 36, तो 36 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुड सोल्ड टू राजू फॉर कैश, मतलब हमने राजू को गुड सेल्स किए कैश में कितने की, 50,000 की, और हमने उसको कितना डिस्काउंट दे दिया, 5% का डिस्काउंट दे दिया हमने, ठीक है। तो हमने गुड सेल्स की है राजू को कैश में, तो कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल्स के ऊपर जब भी कैश डिस्काउंट की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट लो होते हैं, और टू में क्या आ जाएगा, आपका सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो कैश हमारे पास कितना है इसके अंदर, इसका 50,000 की, तो हमने क्या करी अगले को, सेल ही करी है, तो यहाँ 50,000 आप लिख सकते हैं, इसका 5% आप क्या दे रहे हैं अगले को, डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम अगले को, 2,500 रुपये, और हमारे पास यहाँ बची कितनी अमाउंट, 47,500 यही आएगा, ठीक है। मतलब 50,000 का सेल करके 5% का डिस्काउंट दे दिया, और उसके बाद जो हमारे पास कैश रिसीव हुआ कितना हुआ, 47,500 कैश आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप एंट्री कर रहे हैं सेवंथ, इसमें कह रहा है कि गुड शोल्ड, सॉरी शोल्ड गुड ओल्ड फर्नीचर कितना है, 4,000, मतलब शोल्ड ओल्ड फर्नीचर कितना है, 4,000। अब यहाँ अगर स्टार्टिंग में फर्नीचर की ओपनिंग, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस अगर ना दिया होता, फर्नीचर का अगर ओपनिंग बैलेंस ना दिया होता तो हम क्या करते, ओल्ड फर्नीचर लिखते, इनडायरेक्ट इनकम में करते, लेकिन इसमें फर्नीचर की जो अमाउंट दे रखी है 1.5 लाख, ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है
उसमें से उसने पुराना जो फर्नीचर है 4000 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो हमें इसमें दोबारा लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ करना क्या है, हमने अगर फर्नीचर क्या किया है ओल्ड सेल किया, तुम्हारे पास क्या आया, फिर कैश ही आया, ऑटो में क्या जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करें, सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर, सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर, हमने क्या किया, ओल्ड ओल्ड न्यूज पेपर सेल किए हैं, तो इसका तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा। जब भी हम कोई न्यूज़पेपर वगैरह सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता, कैश ही आता है, टू में क्या आ जाएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर हमारी क्या इनकम है, क्योंकि हमने अगर उसको सेल किया तो हमारी इनकम है, और इस इनकम के बदले हमारे पास क्या आ रहा, कैश आ रहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता 1 लाख, और मतलब 1 लाख का हमने गुप्ता से क्या किया, परचेज किया, और उसके ऊपर क्या दिया उसने, कैश डिस्काउंट। अब आप एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जो हमने गुड्स परचेज किया गुप्ता से, वो इसमें ये नहीं लिखा हो कि इन कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन हम उसको कैश में मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 4% का क्या दे रहा है, वो कैश डिस्काउंट दे रहा है, और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एंट्री के अंदर वो चीज लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री वो क्या बनेगी, परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, परचेज अकाउंट हमारा क्या होना, डेबिट होना है। टू में क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, और टू में क्या आएगा आपका, कैश आ जाएगा। ठीक है, परचेज में 1 लाख आ जाएगा, डिस्काउंट 4,096 उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कैश विड्रॉल, हमने कैश विड्रॉल किया बैंक में से किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज हमारा क्या होता है, ड्रॉइंग होते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा आपका। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इस क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे से डाउट ले लेना। ठीक है, अदरवाइज आप जो मतलब अलग से जो आप डाउट ले लेना व्हाट्सएप पे, अगर आपका आप वहाँ डाउट नहीं लेना चाहते तो जैसे गूगल क्लासरूम के अंदर ही आपकी वीडियो अपलोड होती है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ करना क्या, उसी के अंदर आपको नीचे उसी वीडियो के नीचे कमेंट डालना है कि हमें ये सारी एंट्री समझ नहीं आ रही या जो भी है जैसे भी है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 28। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो कौन सा है, सॉरी 27 क्वेश्चन है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अब। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ 27 नंबर 1 एंट्री। इसमें क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक बैलेंस, मतलब ये बंदा है, आपको जितनी भी एंट्री मिली है वो क्या मिली है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश से मिली है, फर्नीचर जो भी, लेकिन इस बार जो एंट्री कर रहा है वो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है वो बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस का मतलब क्या है, वो किससे स्टार्ट कर रहा है आपका, बैंक से, मतलब बैंक में उसके पास कितनी अमाउंट है, 6,50,000 है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश की जगह क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा बस, और क्या, टू में क्या जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अदरवाइज कैश होता तो आप उसमें क्या मेंशन करते, कैश मेंशन करते। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, गुड्स परचेज इन कैश एंड पेमेंट बाय चेक, मतलब हमने जो गुड्स वगैरह परचेज की है और उसकी जो पेमेंट हो रही है वो चेक से हो रही है, कितनी हो रही है, 3 लाख हो रही है। तो सीधी सी बात क्या है, अब आप ये सोच रहे हो कि परचेज तो कैश में कर रहा है लेकिन जो पेमेंट हो रही है वो चेक से हो रही है, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है इसमें, मतलब कहने का लॉजिक क्या है, अब जैसे मान के चलो मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैंने उससे कोई चीज परचेज कर ली, परचेज तो करी है, देने को तो मैं उसको कैश से भी पेमेंट कर सकता था, लेकिन मैंने जो उसको पेमेंट करी वो करी किससे, चेक से, तो पॉइंट ऑफ व्यू किसका जाएगा, बैंक का जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, इसमें डेबिट होगा, और टू में क्या जाएगा आपका, बैंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे सोल्ड गुड टू गुप्ता, हमने क्या किया, गुड सेल्स किया गुप्ता को, तो नॉर्मल सी बात है गुप्ता अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे गुड सोल्ड टू मोहन शर्मा, तो इसमें भी कैश वगैरह नहीं लिखा हो, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, मोहन शर्मा डेबिट, और टू में क्या करेंगे आप, सेल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए हैं, तो नॉर्मल सी बात है एंट्री क्या बनेगी, फिर जो अभी
उस क्वेश्चन में आई थी आपकी, कैश काउंट क्या होगा डेबिट, और टू में क्या आएगा ओल्ड न्यूज पेपर, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ एंट्री, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, हमने क्या किया कैश विड्रॉल किया बैंक से, तो कैश अगर आपने विड्रॉल किया तो रिसीव क्या हुआ, कैश रिसीव है, तो जो भी आप रिसीव करते हैं हमेशा उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं, टू में क्या जाएगा बैंक आ जाएगा, क्योंकि कैश की अमाउंट बढ़ेगी हमारे पास रिसीव होगा और बैंक में से क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम होएगा तो बैंक को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैश पेड फॉर टेलीफोन बिल, मतलब हमने टेलीफोन बिल का क्या किया है बिल पे किया है, तो वो हमारा क्या होगा डेबिट होगा और टू में क्या जाएगा आपका कैश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन शर्मा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन शर्मा, मतलब पहले तो मोहन शर्मा को हमने सेल की थी, अब आप उससे क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, तो पहले हमने मोहन को क्या किया था डेबिट किया था, अब उसको क्या कर देंगे रिटर्न के टाइम क्रेडिट, सेल्स को हमने क्या किया था क्रेडिट, अब उसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्या होगा डेबिट और टू में क्या जाएगा आपका मोहन शर्मा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम मोहन शर्मा इन फुल सेल फुल सेटलमेंट 1,22,500। अब मैं आपको बात बता देता हूँ मोहन शर्मा से रिलेटेड जो एंट्री आ रही थी आपकी, तो मोहन शर्मा वाली एंट्री के अंदर मैं अमाउंट लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज थोड़ा क्लियर हो जाए, 1,35,000, ठीक है, सेल किया था। उसके बाद वो क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कितना कर रहा है वो 12,000 का, 12,000 का उसने क्या किया है रिटर्न किया है, ठीक है। अब रिटर्न करने के बाद मतलब हमने 135 का उसको सेल किया था, उसमें से 12,000 का रिटर्न आ गया, तो मेरे पास रह कितना गया 123 का रह गया। अब 120 में से जो मोहन शर्मा मेरे साथ जो सेटलमेंट करना चाह रहा है वो कितनी करना चाह रहा है 1,22,500 की करना चाह रहा है, तो ये क्या कह रहा है चेक रिसीव कह रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा बैंक अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा, कितनी अमाउंट से 1,22,500, क्योंकि पेमेंट इसके पास ये आ रही है, ठीक है। सेल की है ना, तो सेल के टाइम क्या होता है हमेशा डिस्काउंट लो होता है, वो भी क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 1,23,000 में से हम माइनस करते हैं 1,22,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 500 रुपए का ही है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे जो मोहन शर्मा की जो अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी आपकी क्रेडिट होगी, जो सॉरी मैं टू नहीं लिखा इसमें, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 1,23,000 था, ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी इसमें। उसके बाद है टेंथ, इसमें क्या कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय गुप्ता 10,000, गुप्ता वाली एक एंट्री थी, गुप्ता को कितने का सेल हुआ था पहले 1,50,000 का, 1,50,000 का सेल हुआ था, फिर बाद में उसको क्या हुआ रिटर्न हुआ है। अच्छा नेक्स्ट ये एंट्री अभी जो आप बना रहे हैं, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, तो पहले हमने गुप्ता को क्या किया था डेबिट किया था, उसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सेल्स को पहले हमने क्या किया था क्रेडिट किया होता, अब उसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो कितने का रिटर्न कर रहा है वो उसको 10,000 का, कितने में से 150 में से, 150 का हमने सेल किया था उसमें से 10,000 का क्या हो गया रिटर्न हो गया, ठीक है। तो 10,000 का रिटर्न हो चुका है। अब उसके बाद क्या करें, एक कार परचेज 2,00,000 एंड पेमेंट बाय चेक, मतलब मैंने एक कार परचेज करी है 2,00,000 की और उसकी पेमेंट हो रही है वो किससे हो रही है चेक से हो रही है, तो कार अकाउंट हमारा क्या होगा डेबिट होएगा, कार अकाउंट हमारा क्या होएगा डेबिट और टू में क्या आ जाएगा बैंक आ जाएगा, अमाउंट आपके पास है ये, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद क्या करें 12 में, ए ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम गुप्ता इन फुल सेटलमेंट 1,37,000, मतलब गुप्ता को पहले मैंने सेल किया था 150 का, उसमें से 10,000 का क्या हो गया रिटर्न हो गया, तो क्लोजिंग कितना रह गया 140। अब 140 में से जो सेटलमेंट हो रही है वो कितनी क्यों रही है 137 की सेटलमेंट हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है चेक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा डिस्काउंट लो आ जाएगा, क्या होगा डेबिट और टू में क्या जाएगा गुप्ता लिखा जाएगा, टू में क्या कर देंगे आप गुप्ता कर देंगे,
तो जो उसको चेक उसको रिसीव है वो कितनी हुई, 1,37,000। डिस्काउंट कितना जा रहा है, 3,000। गुप्ता के अकाउंट में कितना आ जाएगा फिर, 1,40,000। ये एंट्री बनेगी, ठीक है। 150 का सेल किया, 10 का रिटर्न हो गया, तो क्लोजिंग 1,40 बच गया। 1,40 में से उसने कितने से सेटलमेंट किया, 1,37,000, तो अपन ने डिस्काउंट कितना दे दिया, 3,000 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में कह रहा है डेप्रिसिएशन और ऑन कार, मतलब डेप्रिसिएशन लगा है, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डेबिट होएगा, और टू में क्या जाएगा, कार आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, अपन डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 में क्या कह रहा है, ए चेक रिसीव फ्रॉम गुप्ता वाज डिसऑनर्ड, मतलब जब उसने क्या किया था, जो अपन एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट जो उसमें डिपॉजिट हुआ था, तो बाद में वो चेक क्या उसका डिसऑनर्ड हो चुका है, बाद में जो चेक है वो क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। तो ये एंट्री आप वापस घुमा दो इसको, तो जो डेबिट क्रेडिट था उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितनी अमाउंट से, सेम वही अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो डिस्काउंट अलो है ना वहां, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, बैलेंस आपको पता ही है, टू कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा, ठीक है। और टू में क्या जाएगा आपका, बैंक आ जाएगा इसमें, कितनी अमाउंट से, 1,37,000 से। ये एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है। पहले तो अपन ये एंट्री बनाई थी ये वाली, अब वो क्या कर रहा है, जैसे डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट को रिसीव कर दिया, गुप्ता ये हो चुका आपका। उसके बाद कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम भारत एज ए लोन, मतलब हमने चेक रिसीव किया भारत से एज ए लोन का, मतलब मेरे को पैसे की जरूरत थी तो भारत ने मेरे को क्या किया, चेक दे दिया उस उतनी अमाउंट का, ठीक है। तो भारत एंड सन्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, सॉरी चेक रिसीव है ना, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और टू में क्या हो जाएगा, भारत आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक फैन परचेज किया ओनर ने होम के लिए, होम के लिए ओनर क्या हुआ, मालिक, उसने पर्सनल यूज ही हो गया, नॉर्मल सी बात है, तो पर्सनल यूज है तो क्या, ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और टू में क्या किया, फैन परचेज किया, किया किसमें, कैश में किया, तो टू में क्या आएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो आप एंट्री को लेके मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे जो भी है, और ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे आपका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस का आंसर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोट्स के अंदर दिया हुआ है आपको 1,435, लेकिन 1,438 आएगा यहाँ पे, 1,455 आएगा, 3,5 की जगह 3,8 आएगा, ठीक है। बाकी सारा सेम है, कोई गलती नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट होता तो आप मेरे को बता दे।